यहाँ से पिंपल्स की प्रॉब्लम जवानी में कॉमन होती है, और 15 से 25 साल के बीच तो लगभग सभी को पिंपल्स निकलते हैं। किसी किसी को ज़्यादा स्ट्रेस से या जेनेटिकली भी ये प्रॉब्लम होती है, ऐसा हमने हजारों लाखों लोगों के जीवन में देखा है। तो जिनको ये पिंपल्स की प्रॉब्लम किसी भी कारण से है, चाहे वो जेनेटिक है चाहे वो जवानी के कारण से है, तो किसी भी तरह के पिंपल्स होने पर एक तो पानी का प्रयोग ज़्यादा करें, हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करें, और उसमें भी खास करके लौकी का जूस यदि पी सकें आंवले के रस के साथ, और अच्छी बात है। जितने भी गर्म मसाले हैं या गर्म चीज़ें हैं उससे पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे तो किसी किसी को गुड़ खाने से ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, किसी को और भी कोई गर्म चीज़ खाते हैं तो उससे पिंपल्स हो जाते हैं। तो खाने पीने में गर्म चीज़ों से बचें, ज़्यादा नमक ज़्यादा मीठा ये भी पिंपल्स को बढ़ाता है। और सुबह उठ करके पानी ज़रूर पिएं, दिन में 3 से 4 लीटर लिक्विड पानी आपके शरीर में ज़रूर जाना चाहिए। और पिंपल्स के इलाज के तौर पर आयुर्वेद में ही इसकी प्रभावशाली औषधि है, इसका पूरा उपचार है। एलोपैथ में जो दवाएं दी जाती हैं उससे तत्काल आप कुछ लाभ पा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पिंपल्स होने पर तो स्टीरॉयड दे दिया जाता है जो बहुत डेंजरस होता है, उससे डायबिटीज़ हो जाता है और उससे हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, पूरा इम्यून सिस्टम हमारा उससे ख़राब हो जाता है। तो पिंपल्स के लिए सबसे अच्छा होता है घरेलू उपचार के तौर पर तो आप नीम के पत्ते 5-7 सुबह सुबह खा सकते हैं, और चिरायता का गिलोय का पानी पी सकते हैं, वह पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। काया कल्प पोटी हम बनाते हैं, उससे हमने देखा है 2-2 गोली सुबह शाम खा लेते हैं खाली पेट तो उससे पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। एलोवेरा जेल लगाने से भी पिंपल्स में ज़बरदस्त लाभ होता है, और जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको भी पिंपल्स ज़्यादा होते हैं तो उसके लिए भी एलोवेरा बहुत अच्छा होता है। जिनकी ड्राई स्किन होती है उनके लिए भी एलोवेरा अच्छा, दोनों के लिए, जिनकी ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है दोनों के लिए एलोवेरा पीना भी और एलोवेरा जेल लगाना भी, ये दोनों ही पिंपल्स के लिए बहुत अच्छे उपाय हैं। कायाकल्प क्वाथ पिया भी जा सकता है, जिनको ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है वो 1 चम्मच 1 गिलास पानी में पकाएं और 50 ग्राम रह जाए तो छान के पी लें। महामंजिष्ठारिष्ट और खदिरारिष्ट ये दोनों ही पिंपल्स के लिए बहुत अच्छे हैं, इनका भी उपयोग करके आप पिंपल्स से बच सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनको, जैसे मसूर की दाल है उसको जो है उसका जो आटा है उसको पानी में भिगो करके लगा दिया, उससे भी आप बच जाते हैं पिंपल्स से। और पका हुआ पपीता, पका हुआ केला, उसका भी आप लेप लगाते हैं उससे भी आप बच जाते हैं इससे पिंपल से। और खीरा भी लगाते हैं उससे भी ठंडक मिलती है चमड़ी को और उससे सफाई हो जाती है। पिंपल्स से लेकर के सभी प्रकार के चर्म रोगों में प्राणायाम अद्भुत लाभ करता है। जिनको वर्षों से पिंपल्स होते थे, जिनको 10-10, 15-15 साल से सोरायसिस की प्रॉब्लम थी, एक्जिमा की प्रॉब्लम थी, यहाँ तक कि लिकोडर्मा और स्क्लेरोडर्मा की प्रॉब्लम थी, उनको भी हमने प्राणायाम से अच्छा किया। इसलिए जिनको भी पिंपल्स या और भी कोई भी चर्म रोग है, स्किन डिसऑर्डर्स हैं, वे सभी भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम तो जरूर किया करें। भ्रामरुद्गीत प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है स्किन रोगों के लिए, क्योंकि चर्म रोगों का एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस भी है। तो प्राणायाम से हम तनाव मुक्त हो जाते हैं और प्राणायाम से हमारा लीवर भी अच्छा हो जाता है, और जब आप स्ट्रेस फ्री होते हैं और आपका लीवर अच्छा होता है तब आप चर्म रोगों से बच जाते हैं। इसलिए भस्त्रिका ये 5 मिनट और कपालभाति 10-15 मिनट, हो सके तो बाह्य प्राणायाम भी कर लेना 3 से 5 बार। फिर अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट, फिर भ्रामरी और उद्गीत 3-3 बार 5-5 बार जरूर करें, तो आपको न तो पिंपल्स होंगे और
नहीं कोई और दूसरे स्किन डिसऑर्डर्स। कांति लेप करके हम कई जड़ी बूटियों का एक मिश्रण तैयार करते हैं, जिसमें मजीठ होता है, जिसमें हल्दी होती है, जिसमें दारू हल्दी होती है और गैरू और बहुत सी ऐसी औषधियाँ जो आपके चेहरे को साफ सुथरा रखती हैं, आपकी ओज आभा कांति तेज ग्लो को बढ़ाती हैं। तो आप कांति लेप को भी कच्ची जूत के साथ, उसको जो है एलोवेरा के जेल के साथ, उसको शहद के साथ आप लगा सकते हैं। उससे आप अपने चेहरे की खूबसूरती भी पा सकते हैं और पिंपल्स को भी मिटा लेते हैं।